आप ये स्कूल का बोर्ड लगा हुआ आप देख लीजिए मैडम जी, आप इस स्कूल के अंदर जाने का आपको दिल आ रहा है कि स्कूल में अंदर जाना है? मैंने इसी बात को लेकर कल अनमर साहब को भी इतला दी है कि हमें बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है, कोई इसका अरेंजमेंट करें। ठीक, प्रोग्राम को भी बोल दिया है कि बच्चों का क्या करें। जी जी, आप मैडम जी, आप बिल्कुल बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। बात क्या दिया है कि ZU मेंटर को इन्फॉर्मेशन आप कर दो, CO पुंज को इन्फॉर्मेशन कर दो कि बच्चों को हमने स्कूल में नहीं भेजना है, और आप खुद आके स्कूल की कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है। 26 को बच्चों को लेकर जाना है, 21 है और 25 तक हम मौका देते हैं, और 26 को अगर कोई भी नहीं आया हमने रोड ब्लॉक कर देंगे। मैडम जी, आप बच्चों की जिम्मेवारी यहाँ पे आप रख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की जिम्मेवारी उठा के यहाँ पे स्कूल में स्कूल लगाने के लिए? मैं थोड़ी रख सकती हूँ, बिल्डिंग नीचे गिरने लगी है, मैं सिर्फ पढ़ाई की रख सकती हूँ, बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? मैंने CO को भी इन्फॉर्म किया, ZU को भी किया, आज तक किसी ने इस पे नजर नहीं रखी। जी जी, मैंने ZU साहब को भी बोला है कि स्कूल की हालत बहुत खराब है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है तो मैं क्या करूँ, आज तक किसी ने इस पे नजर नहीं डाली, कोई भी यहाँ भी नहीं आया। मैं आप बताती हूँ कि स्कूल की क्या कंडीशन है। चलिए सर, चलिए ना इनको, चलो चलो। हाँ देखिए भाई, चलो कंडीशन देखिए, एक कमरा बचता था उसमें भी आज पानी जा रहा है, तो इसमें ऑफिस भी रखते हैं तो सामान रसोई का भी इसी में है, बच्चों की टाट भी अंदर रखते हैं, तो बारिश में बैठने के लिए जगह भी नहीं है। ये कमरे देख लो, इसमें बैठने की कोई जगह नहीं है। क्या हालत है इसकी?